हो गई है और लोगों के घरों में पानी घुस गया है कार और मोटरसाइकिल पानी में तैरते हुए सड़कों में तस्वीरों में तस्वीरों नजर आ रही है। सड़कों पर नाव चलाने जैसे हालात दिख रहे हैं वहीं बारिश से लोगों का आवागमन बाधित हो गया है और लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं हालांकि बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है पर कहीं ना कहीं आफत भी बनती हुई नजर आ रही है रामपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में खंबे के हॉल में जहरीला सांप भटक कर गिर गया जिसके बाद उसकी मौजूदगी की, की सूचना वन विभाग को दी गई वन विभाग की टीम के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचने के बाद हॉल में कई घंटों से फंसे सांप का रेस्क्यू करके उसे सकुशल अपने कब्जे में भेज दिया गया